नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं बिहार के पूर्णिया से, जहां पर बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार पुलिस ने शराब माफिया के बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो बड़ा तस्कर मुर्शिद आलम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हम आपको बता दें कि 2 साल से पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी इन्हें पकड़ने की, और अब पूर्णिया में जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। निषेध यूनिट और पूर्णिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से उसे पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के बड़े शराब माफिया मुर्शिद आलम की गिरफ्तारी हुई है। इससे बिहार पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुर्शिद आलम बंगाल से बिहार में शराब भेजने वाले सिंडिकेट का सबसे बड़ा शराब तस्कर है। बिहार पुलिस उसके पीछे करीब 2 साल से लगी हुई थी। जानकारी के अनुसार आलम बंगाल से बिहार के कई जिलों में अंग्रेजी शराब के साथ नकली शराब और स्प्रिट की भी तस्करी करता था। मुर्शिद आलम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला के करणदिघी थाना के दालकोला इलाके का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार मुर्शिद आलम दालकोला चेक पर बिहार पुलिस की तब्दीश पड़ने के कारण ये झारखंड राज्य होते हुए बिहार में शराब आपूर्ति करना शुरू कर दिए थे, और पूछताछ के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न लोगों के साथ सिंडिकेट बनाकर शराब का ये बड़ा कारोबार करता था। बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, वैशाली और मोतिहारी इत्यादि जिलों में ट्रक या फिर पिकअप के माध्यम से झारखंड के रास्ते बिहार में अवैध शराब उपलब्ध कराता था। इस पर बिहार में मद निषेध से संबंधित 17 मामलों में केस दर्ज है। मुर्शिद आलम से पूछताछ की जारी है। अभी इंक्वायरियों के अलावा बिहार राज्य के अन्य जिलों के मद निषेध के कांटों में भी है जो है फंस सकते। एक बड़ा शराब माफिया मुर्शिद आलम जो फरसरा दालकोला का रहने वाला था, इसके द्वारा नकली शराब की और जो अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति जो है वो अवैध तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में की जाती थी। इसके ऊपर अभी तक कई केसेस हर एक जिले में दर्ज हैं। लगातार हम लोग की दबिश इसके ऊपर थी। कल 26/11 की संध्या को सूचना मिली कि इसकी गतिविधि दालकोला चेक पोस्ट के आसपास है। हम लोग की टीम ने तत्काल रेड करके इसको गिरफ्तार करा। इसके पास से एक पिस्टल और 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की तस्करी इसके द्वारा की जाती थी। इसके द्वारा बहुत लोगों का नाम लिया गया जो विभिन्न जिलों में इसके सहयोगी हैं। हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन इससे इकट्ठा किया है, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस पूरे सिंडिकेट को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। अभी तत्काल जो मेरे पास बायसी और अगल बगल के जिलों से बात करके 19 केस मेरे पास अभी सूची है जो इसके ऊपर है। अन्य जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं, और केसेस की संख्या बढ़ेगी। जो प्राथमिकता इसके ऊपर है जैसा लगता है कि इसकी संख्या भी बढ़ेगी। ये सब क्या मतलब इंटर स्टेट था कि इंटरनेशनल टाइप का ये था? मुख्य रूप से पिछले 2-3 साल से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे। इसके पूर्व में भी हम लोग के द्वारा कुछ जो अवैध शराब तस्कर थे उसे विधान नगर से पकड़ के भेजा गया था, लेकिन इसका एक अलग सिंडिकेट चलता था जो कि उन लोगों से बड़ा था। इसकी गिरफ्तारी से पूरी उम्मीद है कि जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर का इस्तेमाल होता है शराब तस्करी से, उसमें हम लोग कमी ला पाएंगे। कुछ गोडाम सब भी पहले पकड़ा है इसके द्वारा हम लोग को वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेशन दिया गया है। संबंधित थाना के हम लोग संपर्क में हैं, और वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। उस गोदाम को बिहार में इसके द्वारा दरभंगा, मधुबनी, सारण तक केस दर्ज है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 12-14 जिले हैं जिसमें इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। तो आधे से ज़्यादा बिहार में इसके द्वारा शराब सप्लाई किया जा रहा है। ये सर पूर्णिया पुलिस की बहुत बड़ी पूर्णिया पुलिस ने मद्य निषेध पटना के सहयोग से मद्य निषेध पटना की आसूचना पर काम करते हुए त्वरित कार्रवाई करी है और इसको गिरफ्तार किया। सिंडिकेट है दालकोला चेक पोस्ट के पास ही हुआ।
सर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से बिहार के तमाम जिलों पे लोगों की मौत हुई है और इस पर सरकार भी अलर्ट हो गई है और ये चिंता का विषय बन गया है कि किस तरीके से शराबबंदी कानून लागू तो कर दिया गया है लेकिन बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की और अपने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि शराब से जुड़ी चीजों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद लगातार जो भी अधिकारी हैं उसके बाद तमाम जगहों पर शराब तस्कर जो भी हैं उसको पकड़ने की कोशिश में लगे हैं और हर संभवतः प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कानून जो है उसको लागू किया जाए। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के मौके पर तमाम सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यालय में भी इसको लेकर शपथ ग्रहण करवाया था कि वो सभी शपथ ग्रहण करें कि ना ही हम शराब पिएंगे और ना ही किसी को पीने देंगे और साफ तौर से बिहार में जो शराब से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं या फिर जितने भी शराब तस्कर हैं या जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनका पूरा पूरा सफाया करेंगे। तो इस तरीके से बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़े शराब माफिया जो हैं उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्णिया से। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।